हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपके मैथ्स क्लास 12th के पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम मैच पेयर यानी सही जोड़ी आपकी, इनके जो आंसर्स मैच करेंगे कि आप क्या कंप्लीट करके आए हैं और सही आंसर क्या होना था। तो आप मैच कर लीजिए और यहाँ पर मैं आपको एक के बाद एक एक आंसर बताता चलता हूँ। जैसे जी ऑफ याद करने पर इसका मान है, यदि एफ एक्स इक्वल टू 8x³ प्लस जी एक्स इक्वल टू 1/x³, तो इसका मान आपका रहेगा सी। यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5.2 512। एक्स इक्वल टू 80² तथा वाई इक्वल टू 280, तो dy/dx का मान आपको बताना है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1/t। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अवकल समीकरण x/dy/dx - y = 2x² का समाकलन गुणांक क्या होगा, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1/x। यदि a 3/3 कोटि का वर्ग आयु है तो k a का आपको मान बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें b, k³ mod a। तो आगे चलते हैं हम आपके फिल इन द ब्लैंक्स पर। समुच a = 4, 5, 6 में अवयव 4, 5 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान होगा π/2। यदि a व b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p (a)(b) क्या होगा, तो ये होगा pa(pb), ये इसका आंसर होगा। x > 2 का ग्राफ चतुर्थांश में स्थित है तो प्रथम एवं चतुर्थ सारणी का मान है। तो इसका आपका हो जाएगा 1। यदि y = x + log(ex) है तब dy/dx क्या होगा, तो 1+1/x होगा। लास्ट है आपका दो समतल 2x + 3y + 4z = 4, 4x + 6y + 8z = 12 मध्य की दूरी आपको बताना है, तो इसकी हो जाएगी आपकी 2/√2(√29). तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब आ जाते हैं हम आपके प्रश्न क्रमांक 3 पर, सही जोड़ी बनाइए। तो मैं यहाँ पर आपको मैच करके बता देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। पहले का आपका हो जाएगा सी, दूसरे का आपका रहेगा ई, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ई, इसके बाद जो थर्ड है इसका हो जाएगा आपका ए, और जो फोर्थ है आपका इसका रहेगा आपका एफ, फोर्थ का हो जाएगा आपका एफ, और फिफ्थ नंबर का आपका हो जाएगा डी, और वहीं आपके सिक्स नंबर का हो जाएगा बी यानी सी के ऊपर वाला। तो ये आपकी मेज कॉलम थी, आई होप आपने यही किया होगा। तो जी आपका जो है सेफ बच जाएगा। प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है, तो आप यहाँ देखिए इष्टमान फलन क्या है आपसे पूछा गया है, तो ऐसा फलन जिसका मान अधिकतम व न्यूनतम प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं, उसको इष्टमान फलन कहते हैं। एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 2/7। अब यहाँ पर आपको समाकलन दिया है cos(x) dx का 0π/2 लिमिट पर, तो इसका आपको मान ज्ञात करना था, तो इसका मान होगा आपका 1। log(x) dx का मान क्या है ये आपको बताना है, तो log x - x। रिक्त संबंध की परिभाषा लिखिए, तो ऐसा संबंध जिसमें अवयव की संख्या ना हो उसे रिक्त संबंध कहते हैं, ऐसा संबंध जिसमें अवयव की संख्या ना हो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। अगला देखिए, आपसे पूछा गया है कि xyz अक्षों की दिक कोसाइन आपको लिखना है, तो x अक्ष के लिए रहेगी 1 0 0, y अक्ष के लिए रहेगी 0 1 0, और वहीं जेड अक्ष के लिए रहेगी 0 0 1, यानी जिस अक्ष की बात करेंगे उसमें 1 रहेगी वैल्यू, तो ये कोसाइन हो गई, कोसाइन वैल्यू है। अब pa = 2 है और p (a)(b) जो है 1 है, तो pb/a का मान आपको याद करना है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। हम सत्य असत्य पर आ जाते हैं। पहला जो है आपका असत्य है, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य है, फोर्थ नंबर का आपका असत्य है, फिफ्थ नंबर का भी आपका असत्य है, और सिक्स नंबर का आपका सत्य हो जाएगा।
तो ये थे आपके आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में से अपने दोस्तों फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर आपने अपनी बुद्धि और कौशल के अनुसार कर दिए होंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।